स्टूडेंट्स ये से स्टडी क्वेश्चन है क्वाटिटी क्वेश्चन से क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज इक्वल टू द सम ऑफ एजेस सम्ड्रन ट्वेल्व ईयर चिल्ड्रन विल बी ट्वाइस द एज ऑफ देयर फादर आगे क्वेश्चन की कंडीशंस हैं बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पर्सन इज फिफ्टी ईयर्स ओल्ड टूडे वट विल बी हिज एज ऑफ ट्वेल्व ईयर्स हैंस मीन्स हैंस का मतलब होता है आफ्टर ट्वेल्व ईयर अगर पर्सन अभी फिफ्टी ईयर्स का है तो बारह साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऑप्शन हमारे पास आएगी सिक्सटी टू ईयर्स तो इसका जो आंसर होगा वो ये है फोर्थ पार्ट है सिक्सटी टू ईयर्स आफ्टर ट्वेल्व ईयर्स वो फिफ्टी टू ईयर्स हो जाएगा सेकेंड है ट्विन टर्न फाइव ईयर्स टूडे जो ट्वीन है वो फाइव ईयर्स के हो जाते हैं हज है? बट विल बट विल देर टोटल एज बी फाइव ईयरस फ्राम नाउ तो पाँच साल बाद उनके जो एज है उसका सम कितना होगा टोटल एज इसका मतलब हुआ उनका जो टोटल ऐज है सम कितना होगा आफ्टर फाइव ईयर तो अगर दोनों अभी पाँच पाँच साल के हो चुके हैं तो पाँच साल के बाद दोनों दस दस साल के हो जाएंगे तो so, इसमें जो उनका जो एज का सम आएगा दैट मिल बी ट्वेंटी क्योंकि हमारे पास है ये अभी हर एक ट्विन जो है वो टेन साल दस साल का है तो दस साल के बाद दोनों का जो सम हो जाएगा वो ट्वेंटी ईयर हो जाएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ट्वेंटी ईयर्स इसका सी पार्ट है द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज फाइव चिल्ड्रन इफ फादर्स प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर्स एंड इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज फाइव चिल्ड्रन बी बाई सबका जो सम उसने वाई सपोज कर लिया है तो इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग देयर प्रेजेंट एज इज़ तो अगर हम इसने कहा है कि जो फादर की जो एज है वो उसके फाइव चिल्ड्रन के सम के बराबर हो जाएगी सम ऑफ एज ऑफ फाइव चिल्ड्रन तो एक्स और वाई आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन बनेगी वो बनेगी एक्स इक्वल टू वाई फर्स्ट कंडीशन बनेगी वो इस तरह से होगी क्योंकि एज ऑफ फादर जो है वो एक्स ईयर्स है और सम ऑफ एजेस ऑफ फाइव चिल्ड्रन जो वाई ईयर्स है तो यहाँ पे कंडीशन की बनाए कि जो एज ऑफ फादर है इज इक्वल टू द सम ऑफ एजेस ऑफ फाइव चिल्ड्रन तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी कि एक्स इक्व टू वाई तो ये कंडीशन आएगी तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन एक्स इक्व टू वाई अगला क्वेश्चन है आफ्टर ट्वेल्व ईयरस द सम ऑफ एजेस ऑफ फाइव चिल्ड्रन विल बी ट्वाइस द एजेस एज ऑफ इज फादर तो देखिए यहाँ पे बारह साल के बाद अब क्या होगा अगर इनकी प्रेजेंट एज फादर की एक्स है तो बारह साल ही x प्लस ट्वेल्व हो जाएगी और फाइव चिल्ड्रन की जो सम ऑफ एज है अब ये पांच बच्चों की जो एज है आफ्टर फाइव ट्वेल्व ईयर्स तो ये हो जाएगी y प्लस क्योंकि अब इसमें ऐड होगा ये ट्वेल्व ईयर सब में ऐड होगा तो हो जाएगा y प्लस सिक्सटी आफ्टर ट्वेल्व ईयर सबका जो सम ऑफ एजेस होगा वो जाएगा y प्लस फिफ्टी क्योंकि सम ऑफ एजेस ऑफ फाइव जो वो एक्स ही रहेगा लेकिन जो बारह साल वाला जो डिफरेंस आएगा तो ट्वेल्व इंटू फाइव हो जाता है सिक्सटी तो हमारे पास आ जाएगा ये वाई प्लस सिक्सटी, ये हो जाएगा सम ऑफ ऑफ फाइव चिल्ड्रन आफ्टर ट्वेल्व ईयर्स तो क्वेश्चन ये है कि बारह साल के बाद समाइव चिल्ड्रन तो समाइव चिल्ड्रेन है वाई प्लस सिक्सटी ये हो जाएगा ट्वाइज द एज ऑफ फादर तो ट्वाइस द एज ऑफ फादर हो जाएगा x प्लस ट्वेल्व तो ये इक्वेशन बनेगी तो हम इसमें चेक करते हैं कि इसमें कौन सा आंसर सही है तो हमारे पास यहां पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है फोर्थ पार्ट कि टू इंटू एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू वाई प्लस सिक्सटी तो ये इसका आंसर होगा अगला कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर अब प्रेजेंट एज ऑफ फादर निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है एक है एक्स इक्वल टू वाई और एक है यहाँ पे टू इंटू एक्स प्लस ट्वेल्व टू वाई प्लस सिक्सटी दोनों में करेंगे और हमारे पास यहां से एज ऑफ फादर से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो एक्स हमारे पास आ जाएगा तो हमारे पास दो ही क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकेंड तो यहाँ से मैं वाई की जगह एक्स सब्स्यूट कर दूंगा क्योंकि एक्स जो वो है वो एज ऑफ फादर है यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दिया और यहाँ पे एक्स की जगह वाई की जगह पुट कर दिया तो यह हमारे पास हो जाता है टू एक्स माइनस एक्स इक्व टू सिक्सटी माइनस ट्वेंटी फोर और x इक्व जब हम इसको सब्डेट करेंगे तो हमारे पास आएगा थर्टी सिक्स तो x थर्टी सिक्स हो गया मीन्स एज ऑफ फ़ादर जो है वो थर्टी सिक्स ईयर्स है तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं जिसका आंसर आएगा कि ए प्रेजेंट एज ऑफ फ़ादर जो है वो थर्टी सिक्स ईयर्स है ये इसका आंसर है थैंक यू